अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं FirstBite.tv और मैं हूं आपके साथ जिया। आइए रुख करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की। इसराइल हमास युद्ध का आज 24वां दिन है। गाजा में अब तक 9,500 लोगों की मौत हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल देने से किया इनकार, अगले 3 महीने के लिए जमानत के रास्ते भी हुए बंद। आंध्र प्रदेश रेल हादसा, 2 ट्रेनों की टक्कर में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा यात्री जख्मी। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आकर माँ और 2 बेटियों की मौत। बदायूं में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस और वैन की जोरदार भिड़ंत, 4 बच्चों समेत 5 की मौत। अब खबरें विस्तार से। आज इसराइल हमास युद्ध का 24वां दिन है। युद्ध में गाजा में अब तक 9,500 लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट बैंक में 110 लोगों की मौत की खबर है। इसराइल बमबारी में 24 घंटे में हमास के 450 ठिकाने तबाह किए हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेन देन की बात स्थायी रूप से साबित कर पाई है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में जिले में रविवार रात हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। मरने वालों में अब तक 7 की पहचान हो गई है। शेष शवों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के कासिमपुर रेलवे फाटक पर रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया था। एक महिला और उसकी 2 बेटियों की वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से जान चली गई। बचा तो केवल पिता, जो फाटक गिरने के बाद क्रॉसिंग के उस पार खड़ा होकर ट्रेन गुजरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन माँ बेटी बंद फाटक पर ही पटरी क्रॉस करने लगी, तभी हाई स्पीड से ट्रेन आ गई। घटना की सूचना पर आनन फानन में GRP और कंकरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मियाऊ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर और 4 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। हादसे में 15 से अधिक बच्चे घायल बताए गए हैं। कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक हादसा बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस और स्कूल वैन की टक्कर होने की वजह से हुआ है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv।